Assalamualaikum dear students, welcome back to Learn Daily Physics. Learn Daily Physics में आप सब लोगों को खुश आमदीद. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का. तीन चीज़ें हैं, मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर. तो अब मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर के अंदर हमने करना क्या है कि इस टॉपिक को मैं दो से तीन लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करूँगा कि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है. अगर हिम्मत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा. तो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर में आज के जो लेक्चर में हमने करना है कि मैक्सवेल फोर्स, जो मैक्सवेल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसे हम लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं, उसको हम टेंसर की तरफ लेके जाएंगे. और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि टेंसर क्या होते हैं और स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, और मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर कम्प्लीटली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर लेंगे. लेकिन आज जो हमने करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि लेट कैलकुलेट, टॉपिक की तरफ चलता हूँ, कि लेट कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इन द वॉल्यूम वी. कि एक वॉल्यूम वी है, उसके अंदर एक चार्ज है. आपके पास क्या है? एक चार्ज है वॉल्यूम वी के अंदर. तो होता कुछ इस तरह है कि जो आपके पास एक चार्ज डेंसिटी आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि F इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो E प्लस वी क्रॉस बी डी टाउ. ये कहाँ से आती है? ये लोरेंट्स फोर्स से आती है. F इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई प्लस वी क्रॉस बी, लोरेंट्स फोर्स. और जो चार्ज होती है, हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या फार्मूला है. हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से इसको फाइंड कर लेते हैं. Q इज इक्वल्स टू रो डी टाउ के बराबर होता है. तो फिर हमने क्या, ये यहाँ से ये चीज़ आ गई, हमें समझ में आ गई. फिर उसके बाद है F इज इक्वल्स टू रो को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, रो E यहाँ पे. और जब रो V के साथ मल्टीप्लाई होगी, वेलोसिटी के साथ जब रो का हम प्रोडक्ट लेंगे, तो वेलोसिटी का और रो का जो प्रोडक्ट है वो होता है करंट चार्ज डेंसिटी के बराबर. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक के अंदर. ये हमने जहाँ पर जब हमने वॉल्यूम करंट डेंसिटी पढ़ी थी वहाँ पर ये हम चीज़ प्रूव भी कर चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं. तो उसके बाद मैंने कहा कि ये पूरा है एक वॉल्यूम इंटीग्रल, दिस इज़ अ वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द होल वॉल्यूम. जो भी वॉल्यूम था सारा वॉल्यूम यहाँ पे है, हमें सिर्फ चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये जो अंदर की वैल्यू होगी ये होगी सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम को. जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वॉल्यूम पे, तो ये पूरे वॉल्यूम का जो एक अंदर की चीज़ है वो है पर यूनिट वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम को, जो ग्रिफिथ साहब की किताब है, उसके अंदर इसको f, स्मॉल f वेक्टर से शो किया है, और ये बराबर है इस वाली टर्म के. अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर दो वैल्यूज फाइंड करनी है. एक तो ये रो की वैल्यू फाइंड करनी है और एक तो j की वैल्यू फाइंड करनी है. रो की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है? रो की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द कूलम्स लॉ. एंड j की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है? फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ. तो रो की वैल्यू हमारे पास, हमें पता है कि गॉज़ेस लॉ से हमें ये बात पता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू, और कूलम्स लॉ से हमें ये बात पता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड रो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई. इस यहाँ से हमने रो की वैल्यू फाइंड कर ली. डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो हमने कैलकुलेट किया, और हमने यहाँ से क्या किया कि इसको यहाँ पे लिख लिया. यहाँ पे लिखने के बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया. फिर हमने फाइंड करना है जे. जे मैं पहले पॉइंटिंग थ्योरम के टॉपिक के अंदर भी फाइंड करके बता चुका हूँ आपको. पूरे पूरे उसके अंदर मैंने स्टेप की हैं, तीन चार स्टेप थे उसके. लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखा है और दूसरा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मैं पहले उसको बता चुका हूँ. अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो उसको देख लें, नहीं तो यहीं से मैं समझा देता हूँ आपको कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स, ये जो एम्पियर्स लॉ की फिक्स्ड फॉर्म है,
एम्पेयर्स लॉ की फिक्स्ड फॉर्म कहाँ से आई, उस पर भी लेक्चर मौजूद है। तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, ये है मैक्सवेल की फिक्स्ड फॉर्म। यहाँ से जे की समझे हमने म्यू नॉट दो तीनों के नीचे डिवाइड किया, इधर से म्यू नॉट कट गया, इधर से म्यू नॉट कट गया, यहाँ पे एक डिवाइड में आ गया और ये वाली टर्म यहाँ पे आके माइनस हो गई, ये इक्वेशन नंबर बी बन गई। तो ये इक्वेशन नंबर ए आ गई आपके पास और ये इक्वेशन नंबर बी। ए और बी इक्वेशन को ये जो रो और जे की वैल्यू है इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर टू के अंदर। व्हेन वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू व्हाट विल हैपन, नाउ वी विल सी। नाउ आई एम गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि यहाँ से, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था और छोटी मोटी इक्वेशंस थी जो आपको समझ में आ गई, अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये वाली जो इक्वेशन है पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे कि F इज इक्वल टू रो E प्लस J क्रॉस B। यहाँ पे रो की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर ए से, मैं वो पुट करूंगा। रो की वैल्यू मेरे पास आई है एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल डॉट ई, सो एफ विल बी इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इनटू ई वेक्टर ये वाला, प्लस मेरे पास अब जे की कुछ वैल्यू आई है वो मैं लिखता हूँ। जे की वैल्यू क्या आई है जी, जे की वैल्यू आई है वन ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, और ये वाला कर्ल जो है ये कर्ल कहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट थी और ये क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना है दोनों के नीचे। दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा देखते हैं। दोनों के नीचे जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस बी हेयर माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ तक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इस वाली टर्म को फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है पार्शियल ई बाय पार्शियल टी क्रॉस बी, हमने इस वाली वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरह करना है वो मैं बताता हूँ। तो उसको इस तरह फाइंड करना है कि हमें पता है पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ ई क्रॉस बी किसके बराबर होगा इज इक्वल्स टू पार्शियल ई बाय पार्शियल टी क्रॉस बी प्लस ई क्रॉस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, सही। तो हमारे पास है एक और फार्मूला है फैराडेज लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वहाँ से मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो भी लेक्चर जोन सा है उसका भी मौजूद है। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ या फैराडेज लॉ के नाम से प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो उसके अंदर जो फार्मूला मैंने ड्राइव किया था वो फार्मूला ये था कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ फैराडेज लॉ इट वाज। तो ये वाली वैल्यू से मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो पार्शियल बी बाय पार्शियल टी है इसकी जगह माइनस कर्ल ऑफ ई लिख दूंगा इस वाली टर्म के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कर्ल ऑफ ई आ गया यहाँ पे, प्लस ये वाली टर्म उसी तरह पार्शियल ई बाय पार्शियल टी इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल टी
ई क्रॉस बी। सही। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमने कौन सी वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू पार्शल पार्शल ये पार्शली बाय पार्शल टी इन क्रॉस बी, ये वाली टर्म हमारे पास बन रही है ना, तो इसको हमने उठा के इसको हमने इधर ही रखना है, इस वाली को उठा के माइनस वाली को उधर रख देंगे तो ये प्लस में चली जाएगी और ये क्या बन जाएगी, पार्शल बाय पार्शल टी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू पार्शल बाय पार्शल टी ई क्रॉस बी प्लस ये वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी ई क्रॉस डेल क्रॉस ई। सही। ये वाली वैल्यू हम इसको नाम देते हैं, पहले हमने इक्वेशन को कोई नाम दिया है, हाँ इक्वेशन 1 2 थी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, वी हैव नेम्ड इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर हमने ये वाली इक्वेशन नंबर सी को पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर सी को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब पुट किया तो हमारे पास एफ की क्या वैल्यू आई, एफ की वैल्यू ये आ गई, एफ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, मैंने वो नहीं लिखा कि पुटिंग इक्वेशन सी इन 3, मैंने बता दिया आपको, डेल डॉट ई प्लस 1 ओवर म्यू नॉट, बाकी सारी चीजें तो उसी तरह आएंगी, बस आखिरी वाली टर्म की हमने वैल्यू पुट की है एप्सिलॉन नॉट, अब ये आएगी वैल्यू ये वाली पार्शियल बाय पार्शियल टी ई क्रॉस बी प्लस ई क्रॉस डेल क्रॉस ई। सही। अब मैंने करना क्या है कि मैंने ये एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है इसके दोनों के, तो दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा साथ और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये वाली टर्म मैंने उठा के एक स्टेप मैं इसमें शॉर्ट करता हूँ, फिर ये वाली टर्म जो एप्सिलॉन नॉट के साथ होगी उसको उठा के मैं क्या करूँगा पहले लिख लूँगा, तो क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, कि अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि छोटे मोटे स्टेप तो आप खुद ही कर लेंगे, माइनस ये अब माइनस के साथ था तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस डेल क्रॉस ई, ठीक डेल क्रॉस ई, और उसके बाद क्या आएगा प्लस 1 ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस बी डेल क्रॉस बी और डेल क्रॉस बी के साथ क्रॉस पी और माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बाय पार्शियल टी ये वाली टर्म ई क्रॉस बी। सही। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज के ऊपर रखता हूँ और मैं समझाता हूँ कि अब ये कैसे हुआ। तो इसको अब अगर आप देखें क्वेश्चन आपको ये भी नज़र आ रही है और ये वाला पेज भी नीचे नज़र आ रहा है, इसमें से एप्सिलॉन नॉट को मैंने ले लेना है सिंपली कॉमन, एप्सिलॉन नॉट को ले लिया कॉमन तो क्या बचा डेल डॉट ई, यहाँ पे एक ई भी था नहीं मैंने लिखा, ई ऊपर भी नहीं लिखा, ई यहाँ पे भी एक ई था, देखे ना ऊपर ई था नीचे से थोड़ा सा वो ई मिस हो गया, तो डेल डॉट ई इंटू ई क्वेश्चन नज़र आ रही है ऊपर वाली तो आ रही है, तो डेल डॉट ई इंटू ई माइनस ई क्रॉस डेल क्रॉस ई, यहाँ तक ये इक्वेशन हमने कर दी क्लोज। अब इसके बाद हमने एक और मज़ेदार चीज़ जो करनी है, 1 ओवर म्यू नॉट लिखना है और इसी के साथ की एक सिमेट्री फॉर्म बनानी है, ये तो सिमेट्री देखें इधर ई क्रॉस बी था, ई क्रॉस पहले आ रहा है इधर बी क्रॉस बाद में आ रहा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, एक टर्म की जगह छोड़ रहा हूँ वो बताता हूँ क्यों, बी क्रॉस डेल क्रॉस बी, अच्छा अब
इसके साथ होता क्या है कि ये म्यू नॉट तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, अब जब बी क्रॉस पहले लाया हूं तो आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूट नहीं होता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो जब ये वाला पहले लाया हूं तो 7 प्लस की वजह से साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, यहां पे साइन मैंने माइनस का लगा दिया। और यहां पे मैंने टर्म, अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी होगी, बस ई और बी का फर्क है। उसके बाद करना क्या है कि यहां पे मैंने ये वाली टर्म भी बनानी है। ये वाली टर्म अब मैं कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं डेल डॉट बी, इसको देख के डेल डॉट बी लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे कि डेल डॉट बी आपने कैसे लिख दिया, आप तो नहीं लिख सकते, ऐसे ही हवा से ले आए हैं चीज़, ये कैसे आ गई, आपके तरह तरह के सवाल होंगे। तो अब ये जो डेल डॉट बी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लिखा है यहाँ पे ज़ीरो, डेल डॉट बी ज़ीरो है तो मैंने ज़ीरो लिखा है। मैंने खुद से यहाँ पे सिमिट्री बनाने के लिए इस और इस वाली टर्म के मैंने ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया, लास्ट वाली वैल्यू सिंपली ये वाली आखिरी जो वैल्यू रह गई है इसको इसी तरह लिख दूंगा, पार्शियल बाय पार्शियल टी ई क्रॉस बी। उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप अच्छे से, ये थोड़ा सा मुश्किल इसके अंदर स्टेप था, बाकी सारे ही आसान हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो कुछ इस तरह है कि आगे हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ये जो ई क्रॉस ये वाली जो टर्म है ई क्रॉस डेल क्रॉस ई, इसकी जगह एक हमने वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे करनी है वो बताता हूँ कि हमें पता है डेल स्क्वेयर, नहीं डेल ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू ई डेल क्रॉस ई प्लस टू इंटू ई डॉट डेल इंटू ई, इसके बराबर है। ये ऊपर वाली चीज ई क्रॉस था हमारे पास यहाँ पे, ई क्रॉस जी वाला यहाँ पे ई क्रॉस था, ठीक है। तो अब देखें इसको यहीं पे रहने दें, इस वाली टर्म को यहाँ दूसरी साइड ले जाएं और टू से डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास ई क्रॉस डेल क्रॉस ई आएगी टर्म वो क्या आएगी, ये वाली टर्म, इधर ही दो को डिवाइड कर दिया सबके नीचे, तो ये आएगा 1/2 डेल ई स्क्वेयर माइनस, ये टू टू से डिवाइड हो के टू टू से कट जाएगा, सिंपली माइनस के साथ आ जाएगा ई डॉट डेल इंटू ई, हमारे पास ये वेक्टर है ऊपर गंदा सा। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई, इस वाली वैल्यू को हमने पुट करना है इस ऊपर वाली इक्वेशन के इस जगह, ठीक इस जगह पे जब पुट करेंगे, थोड़ी सी इक्वेशन इस दफा छोटी लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट, कि हमने इसमें चीज़ें ज़्यादा लिखनी है इस इक्वेशन के अंदर, और फिर यहाँ से आगे हमने जाना है टेंसर की तरफ। अब तक टेंसर का जिक्र नहीं आया, अब आएगा। तो इसकी ये वाली वैल्यू पुट की जब मैंने, हाफ माइनस हाफ डेल ई स्क्वेयर, और ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई डॉट डेल ई ई डॉट डेल ई, ठीक है यही आ गया हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स। सिमिलरली हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे 1/μ0, अब इसकी भी यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करके, यहाँ पे ई की जगह बी लिख के यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करके हमने बी क्रॉस डेल क्रॉस बी की ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे भी इसी तरह ई के लिए जैसे फाइंड की वैसे बी के लिए फाइंड करके भी हमने पुट कर देना है। आसान इस तरह है कि आपने लिखना डेल डॉट, पहली इक्वेशन अगर आपको सही से आपने लिख ली तो दूसरे में बस बी बी रिप्लेस कर देना है, बी यहाँ पे 1/2 डेल बी स्क्वेयर, डेल बी स्क्वेयर यहाँ पे वेक्टर्स आते हैं, जहाँ जहाँ वेक्टर नहीं लगाए मैंने, काइंडली आप वेक्टर्स लगाते जाइएगा, डेल बी स्क्वेयर प्लस
बी डॉट डेल बी, ठीक है ये, और ये जो लास्ट वाली टर्म है उसी तरह आ जाएगी, पार्शियल बाय पार्शियल टी ई क्रॉस बी। तो अब हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर जो है आप उसको देखें, तो उसके अंदर क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है तो फिर वो अपलोड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, इस वजह से इसको थोड़ा सा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ताकि अपलोड और एडिटिंग के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो उस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है कि हमने टेंसर, मैं आपको बताऊंगा टेंसर क्या होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस टेंसर क्या होते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन के अंदर स्ट्रेस टेंसर्स पुट करेंगे और इजीली हमारे पास स्ट्रेस मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।